जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में खटीमा के लाल ने भी अपनी जान गंवाई है। शहीद जवान वीरेंद्र सिंह राणा 3 दिन पहले ही 20 दिन की छुट्टी काटकर वापस ड्यूटी पर लौटे थे। वीरेंद्र की शहादत की खबर से महमूदपुर भूड़िया गांव सहित पूरे सीमांत इलाके में शोक की लहर छा गई है। शहीद के घर शोक जताने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। शहीद वीरेंद्र अपने पीछे पत्नी और 5 साल की बच्ची और 2.5 साल का बेटा छोड़कर गए हैं। 3 भाइयों में शहीद वीरेंद्र सबसे छोटे थे और बड़े भाई जयसिंह राणा भी सीआरपीएफ से रिटायर्ड हुए थे। शहीद के 3 भांजे और 1 भतीजा भी सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। परिजन और स्थानीय लोगों की सरकार से एक ही मांग है कि शहीदों की शहादत का बदला लो। तुम आतंक पसरा 2 दिन पहले 12 तारीख को ही छुट्टी वापस गए हैं, तो उनके वो भी वहाँ शहीद हुए, तो हमको पता चला रात को, तो हम सब लोग यहाँ उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए और उनके साथ इस दुखी घड़ी में खड़े होने के लिए जो है यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश को इसका जवाब देना चाहिए। मेरा भाई सीआरपीएफ में 20 दिन छुट्टी आया था, छुट्टी काट के 12 तारीख को कश्मीर जा रहा था। कश्मीर में आईडी ब्लास्ट में, आतंकवादियों आईडी ब्लास्ट में उसका शहीद हो गया।